आज के पढ़े लिखे युवा तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं। बुंदेलखंड के जालौन जिले के 3 युवाओं ने मिलकर जो उपलब्धि हासिल की है वह भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही युवाओं ने तकनीकी के क्षेत्र में इस कदम को बढ़ाकर जिले का नाम रोशन किया है। देखिए है खास रिपोर्ट। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने देश का पहला ऐसा सीएनजी फ्यूल पंप बनाया है जो कि पानी में ही सेना के युद्धपोतों, क्रूजों तथा आपात स्थिति में मोटरबोटों एवं जल परिवहन में लगे स्टीमर आदि को सीएनजी फ्यूल उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि जालौन नगर क्षेत्र में पैदा हुए यश पटेल ने एक तरह का सीएनजी फ्यूल पंप बनाया है, जिनकी कंपनी एआईपीएल ने विश्व का पहला ऐसा सीएनजी फ्यूल पंप बनाया है जो कि आपात स्थिति में मोटरबोटों एवं जल परिवहन में लगे हुए क्रूजों को पानी में ही सीएनजी फ्यूल उपलब्ध कराएगा। यश पटेल के साथ दो और दोस्त काम करते हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके द्वारा गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बनाए गए पहले फ्यूल पंप का वाराणसी में इनॉग्रेशन किया था और साथ ही उनकी तारीफ भी की थी। एक्वा फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ये बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है वो बेहतरीन है। युवाओं से हमारे वरिष्ठ संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार ने स्वयं बात की और उनसे इस पंप बनाने तक के सफर के बारे में बातचीत भी की है। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके, मैं हूं आपका अपना देवेश। आज का युवा निश्चित तौर पर अपने आप को साबित करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि देश युवाओं के हाथ में है, वो सही क्या। आज हम आपको एक ऐसे युवा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी एक फर्म है एआईपीएल, जिन्होंने देश का पहला सीएनजी ऐसा पेट्रोल पंप बनाया है जो पानी पर चलता है। उस पेट्रोल पंप के माध्यम से आपात स्थिति में सेना की किसी भी मोटरबोट को, सेना की किसी भी युद्धपोत को या मालवाहक जहाज को पानी के अंदर ही सीएनजी की सप्लाई दी जा सके। इसको लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे में इसका इनॉग्रेशन भी किया था। तो आज हम उस जावाज युवा से आपको, ये 3 युवाओं की टीम है उसमें से एक युवा से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उनका नाम है यश पटेल। यश पटेल वो यश पटेल हैं जिनके पिता राम राजा निरंजन, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनके पिता ने माँ बेतवा को प्रणाम करते हुए उनको आदर्श मानते हुए बेतवा सीड्स के नाम से एक अपना एक मटर का एक ब्रांड स्टार्ट किया और धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक हासिल करने के बाद किसानों के हित में बहुत सारे काम किए। इसके लिए उन्हें जो है महामहिम राज्यपाल से, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री से और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से, मुंबई विश्वविद्यालय से, कर्नाटका विश्वविद्यालय से मानद की उपाधि भी दी गई। ऐसे राम राजा निरंजन के सुपुत्र यश पटेल इस अनोखे और ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं और जो निश्चित तौर पर देश के भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम और कारगर सिद्ध होने वाला है। यश पटेल की 3 लोगों की टीम है, उनसे बात करेंगे, रूबरू कराएंगे आपको उस युवा से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मतलब अपने आप में देश का पहला सीएनजी पेट्रोल पंप जो बनाया है जो निश्चित तौर पर आगे चलकर बहुत ही सहायक होने वाला है देश के विकास पर। और निश्चित तौर पर उड़ान जो भरी है इन युवाओं ने काबिले तारीफ है। सलाम करते हैं ऐसे युवाओं को जज्बे से और रूबरू कराते हैं अब हम आपको यश पटेल से। यश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज बीके में। हमें ये बताइए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है जिसको ये ठेका मिला और इसका प्रोजेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा बताएं हमें इस बारे में। कंपनी का नाम AIPL है, एक्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का ऑफिस IIT कानपुर में स्थापित है और हम लोगों को गेल मोदी, नरेंद्र मोदी द्वारा गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हमें ये प्रोजेक्ट करने के लिए दिया था। ये प्रोजेक्ट बनारस के किरकिया घाट पर हमने इंस्टॉलेशन किया इसका जी। और ये सीएनजी फ्लोटिंग, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग पंप है। इसमें जो सीएनजी मोटर्स जो लोग टूरिस्ट के लिए चलेंगे या जो भी चलेंगे आपातकाल स्थिति उन सब के लिए सीएनजी फिलिंग होगी और ये मोदी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। अच्छा, आपकी टीम में वो कौन से ऐसे आपके 3 साथी हैं, आपने बताया था, तो 2 साथी और कौन कौन हैं और उनका सबका अपना अपना एक काम होगा, सबका एक अपना एक जिम्मेदारी होगी कि किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो थोड़ा सा और बताएं हमें। एक
अंकित है, अंकित पटेल जो कि आईआईटी बीएचयू से पास आउट है और एक अच्छे अग्रवाल है जी। वो लोग इनकी डिजाइनिंग सारा पूरा देखते हैं, मार्केटिंग वगैरह देखते हैं जी। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे बन रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सारी चीजें जी। और एक कृष्णा है, कृष्णा दौंदेरिया, जो भी हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है वो भी रहता है और वो सारी चीजों को मैन्युपुलेट करता है, कैसे बनना है, कहाँ नहीं बनना है, कैसे क्या करना है, वो सारा हम यहाँ देखते हैं जालौन में। और सारा काम जालौन में ही होता है मोस्टली। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि ये इस प्रोजेक्ट को बनाने के पहले कभी आप लोगों के दिमाग में आया था कि क्या आप लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट बना पाएंगे, या इस तरीके के प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसको मतलब अपने आप में एक स्वप्न था, ड्रीम था, उस ड्रीम को आप लोगों ने साकार किया है, हाउ कैन दिस पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ ये? पॉसिबल ऐसे हुआ कि सभी लोगों ने, गेल ने हमारे ऊपर भरोसा किया, आईआईटी कानपुर ने हमें इसलिए चुना और हम लोगों ने इसके सारी मेहनत की। कलकत्ता में जाके एक पुलमैन कंपनी, उससे बात की, उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया, सब लोगों ने सहयोग और हिम्मत से ये सारा काम हो सका है। अच्छा, इसमें जो लागत आई है उसको लेकर सरकार ने आपकी कोई मदद की है, या मतलब ये खुद के सेल्फ जो है खर्चे से आप लोगों ने बनाया है, कैसे क्या किया है? नहीं, सरकार ने हम लोगों को टेंडर दिया था, इशू किया था और हम लोगों ने, उनकी फंडिंग भी थी सरकार की, गेल ने हमें फंडिंग दी और हमने उसी के द्वारा ये सारा काम पूरा किया, तय समय पर पूरा करके दिया उनको। अच्छा, आप लोगों ने ये ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है, ये फ्लोटिंग जो स्टैंड आप देख रहे हैं ये भी आप लोगों का डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो अब ये पानी के अंदर मतलब आपात स्थिति में भी ये जी पानी के ऊपर तैरता है ये, अंदर जी पानी के ऊपर तैरता है, मतलब जैसे मान ली भारतीय मालवाहक जहाज हैं या ये सेना के युद्ध पोत हैं या जो और मोटर बोट हैं, यात्री वाहन हैं, अगर किसी कारणवश वहां पर उनको फ्यूल की आवश्यकता है, सीएनजी की आवश्यकता है, तो आप लोग का ये पंप जो है वहां जाकर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को एक जीवनदायिनी से धोने वाला है। जी जी जी, तो इस बारे में थोड़ा सा और हमें खुल के बताइए। अभी अभी हम लोगों ने एक जगह बनाया है, संभवतः भविष्य में ये जितनी भी नदियां हैं अपनी, अयोध्या है, जहां से भी नदियां गुजरती हैं, इलाहाबाद है, यहां सब जगह संगम में, यहां सब जगह सीएनजी पंप बनेंगे जी। अगर मोदी जी का आह्वान रहा, उनकी इच्छा रही, तो अगर आगे भविष्य में भी बहुत सारे पंप बनने की संभावना है, वो सारी जगह जहाँ पे नदियाँ कनेक्ट हो रही हैं दूसरे से और सिटीज में, वहाँ वो क्रूज चलाना चाहते हैं, उसके लिए सभी जगह संभवतः भविष्य में 3-4 पंप और बनेंगे ऐसे सीएनजी। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक युवाओं के हाथ में ये सोच आई है और थोट आई, और इसको लेके जो भारत सरकार है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भरोसा किया है इन युवाओं पर और इनको जो वो खरे भी उतरे हैं उनके इस पूरे कार्यक्रम में, उनकी सोच भी, इनका कहना ये भी है कि निश्चित तौर पर आगे चलकर जल परिवहन के क्षेत्र में भी ये नई क्रांति लाने वाला है, ये इनका सीएनजी पेट्रोल जो जालौन से देवेश कुमार सोनकार की रिपोर्ट।